श्लोक आता है विद्यार्थियों के लिए, कायक चेष्टा बक ध्यानम स्वान निद्रा तथई वचा। विद्यार्थी कैसा हो, कव्वे जैसी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो। कुत्ते में एक गुण तो है, एक तो वफादार होता है कुत्ता, स्वामी भक्त होता है, स्वामी भक्त स्वामी के प्रति भक्त होता है, परंतु अपनी जाति वालों से विद्रोह करता है, अपनी जाति के प्रति वफादार नहीं होता, उनमें आपस में फूट होती है। यही तो हमारे यहां भी रहा कि जो हमारे मालिक बन गए थे उनके प्रति तो हम वफादार रहते थे, चाहे अंग्रेज लोग रहे हों उनके प्रति हम वफादारी दिखाते थे, हमें राय बहादुर आदि की उपाधियां मिल जाया करती थी, सर की उपाधियां मिल जाया करती थी, बड़े बड़े पद मिल जाया करते थे, उनके प्रति हम वफादार होते थे, परंतु अपने देशवासियों पर अपने पद के घमंड में अत्याचार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। हम पर जितने उत्पीड़न हुए अंग्रेजी काल में या उससे पहले मध्य काल में, सारे के सारे उत्पीड़न उन्होंने ही थोड़े किए थे, जो हमारे ऊपर अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए हुए थे वो अपने स्वामियों को खुश करने के लिए आम जनता का उत्पीड़न करते थे। तो कुत्ता भी वफादार किसका होता है, जो उसको रोटी का टुकड़ा देता है उसका, परंतु अपने भाई के प्रति वफादारी नहीं दिखाता, अपने भाई से तो द्वेष ही करता है, अपने भाई से तो बैर ही करता है। कुत्ता कुत्ते का बैरी। भारत में भी भारत के लोग एक दूसरे के जब बैरी हो गए तो विदेशियों का साम्राज्य इस देश पर लंबे समय तक रहा। आज भी हम इस मनोवृत्ति को छोड़ दें तो आगे बढ़ सकते हैं। वेद जैसा पावन ज्ञान हमारे पास है, राम और कृष्ण जैसे महापुरुष मेरे देश की धरती पर हो गए हैं, परंतु हमने उन महापुरुषों की बातों को अपने जीवन में नहीं ढाला, वेद के पावन ज्ञान को अपने जीवन में नहीं डाला, इसलिए तो हम अधोगति को प्राप्त हुए। और वेद मंत्र तो स्पष्ट कहता है, स्थाणुरयम भारहारो किला भूत। जो वेद मंत्रों का पाठ करते हुए भी केवल पाठ मात्र तो करता है परंतु उसको अपने जीवन में नहीं ढालता, वो तो ठूंठ के समान है, गधे के समान है। वहां भी पशु का जिक्र किया है कि उस पशु के समान है जो भार को तो ढोता है, उसके पीठ पर चाहे मिश्री लदी हुई हो, चाहे चंदन लदा हुआ हो, चाहे पत्थर लदे हुए हो, उसने तो न तो उसको मिश्री से मतलब है, न चंदन से मतलब है और न ही पत्थरों से मतलब है, उसको तो केवल भार ढोना है। जो केवल अपने महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, केवल वेद मंत्रों का उच्चारण मात्र करते हैं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन तो करते हैं परंतु उन ग्रंथों की बातों को अपने जीवन में नहीं ढालते हैं, वो पश्चतीति पशु, केवल पशु के समान है। और इस पशु की मनोवृत्ति को अपने जीवन में छोड़ने का संदेश वेद मंत्र दे रहा है। सुपर्ण किसे कहते हैं, गरुड़ को। अच्छे पंखों वाला, सुंदर पंखों वाला, गरुड़ के सुंदर पंख होते हैं इसलिए उसको सुपर्ण कहते हैं। पर्ण माने पंख, सु माने सुंदर, सुंदर पंखों वाला गरुड़ पक्षी, उसकी मनोवृत्ति को, उसकी चाल को भी अपने जीवन से ए मनुष्य तू निकाल दे। उसकी क्या वृत्ति होती है, वो घमंडी होता है। सुपर्ण को अत्यधिक घमंड होता है, कहीं तो रूप का घमंड होता है मनुष्य के जीवन में, कहीं यौवन का घमंड होता है, कहीं धन का अभिमान होता है, कहीं शक्ति का अभिमान होता है, कहीं ज्ञान का अभिमान होता है। ऐसा कहते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय।
जो घमंडी होते हैं उनके पास विद्या होती है तो विवाद के लिए होती है, वितंडा करते हैं, कुतर्क करते हैं, विद्या विवाद के लिए होती है। और धन, धनम मदाया, नशे के लिए होता है कि मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा लक्ष्मीवान। श्रीमान कभी भी घमंड नहीं करता, श्रीमान तो कहता है हे प्रभु आपकी कृपा से ही यह सब प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं नित्य प्रार्थना करता हूं वयम श्याम पतयो रेणाम, मैं धन का स्वामी बन जाऊं। वो ये प्रार्थना नहीं करता कि धन मेरा स्वामी बन जाए। वैदिक संस्कृति में, वेदों में धन कमाने का निषेध नहीं किया गया, पर क्या प्रार्थना की गई है कि मैं धन का स्वामी बनूं, धन मेरा स्वामी न बने। वयम श्याम पतयो रईणाम। अच्छा, अपने यहां लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है ना, तो ये बताओ लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती है या नारायण लक्ष्मी के पैर दबाते हैं? नारायण लक्ष्मी के पैर दबाते हैं क्या? नहीं ना, लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती है, क्योंकि नारायण उसका पति। तो यदि हम धन रूपी लक्ष्मी के पैर दबाने लगेंगे, हम मतलब मनुष्य नारायण, जो धन ऐश्वर्य का स्वामी है उसे इंद्र कहते हैं, नारायण कहते हैं, तो यदि वो धन का गुलाम बनेगा, धन के पीछे पीछे दौड़ेगा, तो क्या हो गया? उल्टा पलटा हो गया ना, धन के गुलाम हो गए ना, धन के नौकर हो गए ना। और वेद मंत्र क्या कहता है? वयम श्याम पतयोरेणाम, हम धन के स्वामी होवे। तो जिस दिन नारायण लक्ष्मी के पैर दबाने लगेंगे उस दिन उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने लग जाएगी, और हम मनुष्यों के जीवन में तो रोज ही उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है, हम धन के गुलाम बने हुए हैं, जबकि वेद मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं वयम श्याम पतयो रेणाम, हम धन के स्वामी बने, ऐश्वर्यों के स्वामी बने, धन हमारा स्वामी न बने। और धन कमाने का निषेध बिल्कुल नहीं किया गया। हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु शत हस्त समाहर, हम सैकड़ों हाथों से कमाएं, पर उस कमाए हुए धन को सहसों हाथों से संकीर्ण दान कर दें। किनको? जो अभावग्रस्त हैं उनको, जिनको आवश्यकता है उनको, जिनको आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल रही हैं उनको हम दान कर दें। और क्या करते हैं? अग्निना रईम अश्नवत, हे प्रभु मेरा धन अग्नि की तरह से बढ़ता ही बढ़ता जाए, मेरा धन ऐसे बढ़े जैसे अग्नि की लपटें एक बार शुरू होने के बाद बढ़ती ही बढ़ती जाती हैं, हे प्रभु मेरा भी धन निरंतर बढ़ता जाए। और क्या करे? पोषमेव दिवे दिवे, वो धन मेरा मुझे दिनों दिन मेरी पुष्टि करता रहे, मुझे चिंता में न डाल दे, मुझे तनावग्रस्त न कर दे, मुझे कुंठित न कर दे, मुझे डिप्रेशन में न ला दे, मेरी भूख को ही समाप्त न कर दे। पोषमेव दिवे दिवे, हे प्रभु ऐसा धन देना जो मेरी पुष्टि करता रहे, और मेरी पुष्टि वो धन करेगा जिसका मैं मालिक होऊंगा। यदि धन मेरा मालिक बन गया तो वो मेरी पुष्टि नहीं कर पाएगा। हे प्रभु मुझे धन का मालिक बनाना, नौकर मत बनाना, गुलाम मत बनाना।